उजैर अब बस भी कर दो यार, और बीमार हो जाओगे, अब तुम बैठ जाओ। हरगिज भी नहीं, जब तक ये फर्श गीला रहेगा मुझे बिल्कुल सुकून नहीं मिलेगा। चलो जल्दी आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए हर्बल टी बनाई है, इसे पीकर तुम्हारा गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेरे ख्याल से मुझे बहुत जरूरत भी है इसकी। बहुत ही अच्छी है ये। अच्छा तो तुम बताओ, लड़का हुआ या लड़की? मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हीं ने तो कहा था कि तुम्हारी दोस्त के यहाँ बेबी हुआ है और तुम वहाँ जा रही हो उसे देखने। अच्छा, वो बेटी हुई है उसे। अच्छा, क्या नाम रखा उसका? मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो सोच रहे थे कोई अच्छा ही नाम रखेंगे। अच्छा तो ये बात है। मुझे तो देखो, पता नहीं क्या क्या सोच रहा था तुम्हारे बारे में। वो क्या? मुझे ऐसा लगा कि तुम शायद बारिश से मिलने गई होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो इस्तांबुल वापस आ गया है, और हो सकता है कि तुम्हें उसने कॉल करके मिलने के लिए बुलाया हो और तुम चली गई हो उससे मिलने। हाँ? ओ ज़ेर यार, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती, मैं बारिश के साथ डिनर पर थी। वाकई में? देखो तो मेरा अंदाजा, तो बारिश के साथ थी आप। हाँ, उसने मुझे एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में बुलाया। बड़े रेस्टोरेंट में? अगर वो वाकई में तुम्हारे साथ सीरियस नहीं होता तो हरगिज तुम्हें वहां नहीं ले जाता, मैं जानता हूँ। तो क्या सोचा तुमने? यानी पहले उसने मुझे अपनी तरफ थोड़ा मुतवज्जो तो किया, मगर मुझे लगता है कि शायद मैं उसके साथ नहीं चल सकती। समझ आ ही गई तुम्हें? तुमने मुझे शुरू में समझाया भी था, मगर मैं बिल्कुल नहीं समझी। अब तुम्हें उदास होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए सिर्फ वही थोड़ी रह गया दुनिया में, और भी हैं। हाँ बिल्कुल। ओह शुक्र है यार, ये पारिस वाला मसला भी हल कर दिया तुमने उज़ैर। तो क्या सिनान ने सचमुच उससे लड़ाई की? हाँ, तुम्हें देखना चाहिए था कि किस कदर पागल हो गया था वो। मुझे तो लग रहा है कि शायद वो मुझसे जेलस हो गया था, इसलिए उसने डॉक्टर तनवीर को मारा। जाहिर है वो तुमसे जलता है। चलने दो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही मैं उससे जलती हूँ। ठीक है, फिर तुम्हें क्या मसला है, तुम पुरसकून रहो। मैं कैसे रह सकती हूँ आखिर ज़ैनब, मैं कैसे रह सकती हूँ? जब भी मैं उसे अपने सामने देखती हूँ, मेरा दिल चाहता है कोई चीज लेकर उसके सर पे मार दूं और इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म कर दूं। नैना, नफरत का एहसास मोहब्बत के एहसास से जुड़ा होता है, यानी अगर तुम उसे भुलाना चाहती हो तो तुम्हें अपने जज्बात को खत्म करना पड़ेगा। ये इतना आसान नहीं है। हाँ पता है मुझे। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे अपार्टमेंट का मसला हल हो गया? नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी वहाँ से। जाना तो उसे चाहिए वहाँ से, क्योंकि जो कुछ हो रहा है उसमें कसूर तो उसका है। और हाँ, मैं अपनी अम्मी को बताऊंगी कि मैंने इस्तांबुल में अपने लिए वैसा ही एक घर ढूंढ लिया है, लेकिन मैं रहूंगी उसी घर में, और वहाँ रहकर मैं सिनान की जिंदगी का सुकून बर्बाद कर दूंगी, देख लेना। बहुत जबरदस्त नैना, बिल्कुल ऐसी रहना। पहले वाली जो मासूम नैना थी उसे मैंने मार दिया है, और अब जो नैना है वो बहुत बेरहम और जालिम है। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ। तुम्हें मालूम है कि अभी मैंने बाहर किसको देखा है? वही जालिम आदमी। हाँ हाँ, जालिम है वो। मुझे दोबारा बाहर देखना चाहिए। हाँ बिल्कुल। हाँ चला गया। ओके खुदा हाफिज़। एक मिनट रुको, मैं भी चल रही हूँ।